रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एसएस क्रोशेट। आज मैं आपको ट्रोज़र का डिज़ाइन बनाऊंगी। जैसे कि जैकेट और कैप मैंने पहले बनाई थी, इस पार्ट में मैं आपको ट्रोज़र का डिज़ाइन बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा। तो इसको बनाने के लिए चार कलर्स का यूज़ करूँगी, वूल का, और 4.0 mm क्रोशे टूप का यूज़ करूँगी। तो ये देखें, इसकी मैंने एक साइड बना के रेडी की हुई है। ये देखें, ये अपने ट्रोज़र की वन साइड इस तरीके से बना के कंप्लीट की है। ये देखें, इस तरह से ये देखें, ये ट्रोज़र की शेप आएगी। देखिए कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत सी शेप है इस तरीके से। ये 6 inches की लेंथ बना के रेडी करनी है, ये ट्रोज़र का पैंट के लिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वन स्किप करके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। वन चेन वर्क को टर्न करना है और ये बैक लूप पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। चेन वर्क को टर्न करना है बैक लूप पे सिंगल क्रोशिया। इसी के से बैक लूप पे वर्क करते हुए हमने सेवन सिंगल क्रोशिया बना के जाना है और 14 inch की, यानी 14 inch की हमने स्ट्रिप बना के रेडी करनी है। 6 inch की ये लेंथ बना के रेडी की है। वन चेन लेनी है, वन चेन लेके अब सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया की रो बनानी है, एक इधर एक यहाँ पे। इस तरीके से इस रो को कंप्लीट करते हैं। सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब 1, 2, 3 चेन लेके सेम स्टिच में डबल क्रोशिया बनाना है, यानी अब हमने स्टिचेस को इंक्रीज करना है। अब यहाँ से हमने अपनी हर रो में स्टिचेस को इंक्रीज करना है। अब नेक्स्ट आगे हर स्टिच में 1 1 double crochet लेना है। देखिए लास्ट में आए रो में, जिस तरह यहाँ पे हमने फर्स्ट में 2 double crochet बनाए थे, इसी तरीके से लास्ट में भी 2 double crochet बनाने हैं, यानी कि स्टिचेस को इंक्रीज करना है। कलर को चेंज करेंगे। थ्री चेन लेके वर्क को टर्न करना है, सेम स्टिच में 1 double crochet और स्टिच को इंक्रीज करना है। अब नेक्स्ट हर स्टिच में 1 double crochet बना के लास्ट में फिर यहाँ पे 2 double crochet बनाएंगे। इसमें भी लास्ट में, इसे लास्ट स्टिच में आके इधर फिर 2 double crochet बनाएंगे। यहाँ से कलर को चेंज करेंगे,
तरीके से अब हर रो में देखते हैं, ये हमारे स्टिचेस इंक्रीज होंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे लास्ट में और फर्स्ट में स्टिचेस को इंक्रीज करते जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से ये हमारी चेन बननी शुरू हो जाएगी और इस तरीके से टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रोज टोटल हमने बना के रेडी करनी है। इसका कलर चेंज कर करके उसको रेडी कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से मेरी ये देखिए 10 रो बना के मैंने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से 11th रो में यहाँ पे हमने अब थ्री टाइम हमने स्टिचेस को इंक्रीज करना है। ये देखिए 1 सेम स्टिच में 2 और सेम स्टिच में 3। यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशे इंक्रीज करना है, 3 स्टिचेस को इंक्रीज करना है लास्ट में और स्टार्ट में यहाँ पे, और यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। बाकी हर स्टिच में 1 डबल क्रोशे बना कर कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से लास्ट में भी 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1, 2, 3। ये हमने यहाँ पे हमने ये देखे ये पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट को हम बना रहे हैं यहाँ पे। ये हमने अपने ट्रोज़र को थोड़ी सी ये शेप देनी है। ये शेप देने के लिए ये देखें ये यहाँ पे हमने 3 स्टिचेस इंक्रीज की हैं। ये देखें इस शेप के लिए ये 12th रो में अब 1, 2, 3 नीचे लेके इधर हमने 2 स्टिचेस इंक्रीज करनी है। एवरेज ऐसे ही बनाते जाएंगे इसके भी लास्ट में डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट रो को सिंपली हर रो में 1 डबल क्रोशे बना कर रेडी करना है। देखिए इस तरीके से 13 रो इस तरीके से सिंपली हमने कंप्लीट कर ली है। अब 14 रो में 14, 15 रो में हमने जो स्टिचेज हैं अब दो दो करके 4 स्टिचेज हमने कम करनी है। ये देखिए इस तरीके से इस रो और इस रो में हमने स्टिचेज बढ़ाई थी, ये रो हमने एज इट इज़ बनाई थी। अब इसमें दो दो स्टिचेज हमने कम करनी है और फिर एज इट इज़ इसको सिंपली सादा बनाना है। ये देखिए इस तरीके से, अब ये देखिए ये 1, ये 2, ये एक खाना कम हो गया। अब ये देखिए 1 एंड 2, दो ये देखिए इस तरीके से 2 स्टिचेस ये हमारी इंक्रीज हो गई, यानी 4 की हमारी 2 हो गई। नेक्स्ट बाकी यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। ये देखिए अब इस तरह से लास्ट के 4 स्टिचेस हैं, इसको भी देखिए स्टिचेस है 2 को 1 इस तरीके से। नेक्स्ट रो में 1 और ये 2, ये कम किए 1 एंड 2, ये कम किए, बाकी रो को सिंपल बनाना है।
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन एलेवन रो बनानी है। एलेवन रो बनाने के बाद ही अगर से को ये हमने अपने जोड़ी के लिए जगह पर स्पेस बनानी है। तो एलेवन रो बना के पानी को ज्वाइन करते हैं। हम हमने यहाँ पे अपने ऊपर बेल्ट के लिए हमें यहाँ पे स्पेस बनानी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे वन चेन वन डबल क्रोशिया बना के वन चेन को स्किप करके वन डबल क्रोशिया बनाना है। और इस तरीके से रो को कंप्लीट करने के लिए देखिए वन चेन स्किप वन चेन वन डबल क्रोशिया वन स्किप वन डबल क्रोशिया वन चेन इस तरीके से रहते हुए इस रो को कम्प्लीट करना है। इस तरह से रो कंप्लीट करने के बाद अब जो चेन लेके वर्क को टर्न करना है। वर्क को टर्न करने के बाद अब जो वन चेन की स्पेस थी उसके अंदर वन डबल क्रोशिया बनाना है और वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया बनाना है। इनके ऊपर हर चेन में हमने वन डबल क्रोशिया बना के इसको कंप्लीट करना है। इस तरीके से रो कंप्लीट करेंगे। सेकेंड रो को भी इसी तरीके से इसके ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया के सिंपल रो बना के कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरे पार्ट को भी इसके ऊपर रखेंगे और हमने इसको नीडल की मदद से ज्वाइन करना है, यानी नेट स्टिच कर लेना है। पेट्रोज को पेट्रोज हमारा सिंपली बन के रेडी हो गया। हाथ से हमने स्टिचेस करनी है। देखिए इस तरीके से यहाँ से पकड़ के पहले से इधर इस साइड से देखिए यहाँ तक इस तरह स्टिच करनी है। दोनों साइड से इधर से और इधर से दोनों साइड स्टिच कर लेनी है। एक साइड इसकी स्टिच करके कंप्लीट कर ली है। अब ये दूसरी साइड जो है इसकी दूसरी साइड को इस तरीके से स्टिच करना है। और इस तरीके से इसको ये यहाँ से इस तरीके से देखिए इस तरह करना है। इस तरीके से रखकर इसको यहाँ से हमने नीचे से अपनी ड्रेस लेंथ को भी हमने यहाँ से भी स्टिच कर लेनी है और इस साइड से भी स्टिच कर लेनी है। कंप्लीट हो गई है और इसमें मैंने यहाँ पे ऊपर कोड बना के डाल दिया है जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक भी था, जाकर देख सकते हैं। आई पैक में मैं इसका लिंक देखूँगी तो आप अगर इसका लिंक अगर आपको मेरा पैसा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।